पंचकुला नगर निगम के तहत पंचकुला में सात सरोकार, हरियाणा सरकार के सात सरोकार, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के सात सरोकार में पंचकुला हो अतिक्रमण मुक्त के लगातार कार्रवाई देखी जा रही है और लगातार कार्रवाइयां हो भी रही हैं। लेकिन जब कार्रवाइयां होती हैं तो वहां पर कई सवाल ऐसे जो उठते हैं कि गरीबों के ऊपर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े लोग और नेता लोग होते हैं, उनके चहेते होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आपको याद होगा, ये हमने खबर पहले भी दिखाई थी, ये एरिया है अभयपुर का, जो कि वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आता है, और इस एरिया की हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी, जहां पर खबर करते समय इस जो चिन्हित जो दुकान है, जहां पर लिखा हुआ है लक्ष्मी जनरल स्टोर, और जो ये पटाखों की दुकान है, यहां पर किसी बीजेपी के संपर्क बताए जा रहे हैं, और उस दिन में हमने खबर दिखाई थी कि इस दुकान के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सामने दिखाएंगे, वहां दो दुकानें और जो है तोड़ के ध्वस्त कर दी गई हैं, उन दुकानों के ऊपर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन यहां पर कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे, एक स्क्रीन के अंदर आपको एक शॉट दिखाएंगे, उस शॉट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्रवाई होते होते जब ये बुलडोजर का पंजा जो है जब बोर्ड के ऊपर पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद तुरंत बाद ही बोर्ड को उसको रोक दिया जाता है कि कतई बोर्ड का एक जो कहते हैं ना कोना या पटाखे का जो पर्दा भी है वो भी ना फट जाए, कहीं ना कहीं गाज गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब दुर्घटना हुई तो वो सब कुछ कैमरे में कैद हुआ कि अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे उनके कैसे पांव फूल रहे थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर प्रशासन की तरफ से पहुंचे हुए थे, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं फ़ोन पर लगातार टेलीफोनों के लिए सिस्टम ऊपर नीचे दाएं बाएं फ़ोन सिस्टम चलता रहा। जब आप कार्रवाई करने आए थे तो आपने कार्रवाई करी क्यों नहीं? आपके फ़ोन आपके बंद क्यों नहीं हुए? आपके फ़ोन के संपर्क ऊपर तक क्यों हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? और ये सवाल तब उठता है जब आप चिन्हित के ऊपर कार्रवाई करते हैं। और हम भी ये कहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त पंचकुला होना चाहिए, लेकिन भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्रवाई करने निकले थे, उस कार्रवाई के अंदर आपकी ये लिस्ट थी, और ऊपर से क्या जवाब आता है कि इसके अंदर पटाखे पड़े हुए, सामान पड़ा है, तो जनाबे आली कम से कम आपको ये भी सोचना चाहिए कि किसी का जब शोरूम आप तोड़ते हो और जब आप अनाउंसमेंट करते हो, पुलिस आपके साथ खड़ी है, पुलिस के साथ वीडियोग्राफी कर सकते थे आप, वीडियोग्राफी कर आप कार्रवाई करा सकते थे, लेकिन आपने कार्रवाई करनी ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये, और सबसे बड़ी बात एक और बता दें कि यहाँ पर जो अधिकारी मौके पर पहुँचे थे, वो वीडियोग्राफी करते समय जब कैमरा देखा, मीडिया को देखा, तो कैसे उनकी गाड़ी भागती नजर आई है, और क्या उन्होंने कुछ बोला है, जरा सुनिए। अरे बताई दो, क्यों रोक रखी है कार्रवाई? एक्चुअली ताला लगा हुआ है इस पे, ताला लगा हुआ है, अंदर सामान क्या है वो हमें किसी को नॉलेज नहीं है, उस करके कार्रवाई रुकी हुई है। उसको टाई अप किया है, उस बंदे से टाई अप किया है, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं। जब आप दूसरी जगह पे तोड़ ले आते हो, उसको तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने अधिकारी की गाड़ी किस तरह से भागती नजर आई, और फिलहाल यहाँ पर अतिक्रमण के विभाग की तरफ से गाड़ी यहाँ पर नहीं है, विभाग के अन्य अधिकारी जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे वो भी नहीं, और केवल पुलिस यहाँ पर मौके पर खड़ी है, और पुलिस भी आधे से एक घंटे में ऐसी जानकारी है कि गवर्नर ड्यूटी के अंदर जाने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि पीला पंजा यहाँ पर खड़ा कर फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जा रही है कि कार्रवाई होगी। लेकिन मैं दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई करने के लिए आप आए थे, कार्रवाई करनी है, तो आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई ना करें। आप कार्रवाई करने निकले थे तो कार्रवाई इसके ऊपर भी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि साथ में जो कार्रवाई हुई है वहां पर बता दें, जो व्यक्ति खड़े हैं वहां पर उनके गेट भी गिर गया था, जब उन्होंने अपील की थी कि मेरा गेट जो है वो गिर चुका है, कम से कम मुझे गेट बचा लेने दीजिए। जब आपने वहां पर अपने बर्ताव और नरमाई नहीं बरती, तो यहां पर नरमाई बरतने का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर नरमाई आपने क्यों बरती है, और बरतने वाली बात यहां पर यह आती है कि जब प्रशासन आपके साथ था, पुलिस आपके साथ थी, तो किसका डर था आपको, किसका डर के वजह से आपने कार्रवाई रोकी है, और कैसे आप सभी प्रशासन के अधिकारी दिखाएंगे, चारों तरफ कैमरा दिखा देंगे कि कोई भी प्रशासन की गाड़ी यहां पर नहीं है, और जो गाड़ी यहां पर खड़ी है देखिए वो भी आगे पीछे होने जा रही है, गाड़ी वो नगर निगम की है, वो भी गाड़ी जो है कहीं ना कहीं जाने वाली, और यहां पर कोई भी अधिकारीगण फिलहाल मौके पर नहीं है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है, वो देखिए सामने दिखाएंगे, गाड़ी वापस जा रही है, नगर निगम गाड़ी वापस जा रही है, जूम करके दिखाओ जरा जी एक बार, नगर निगम गाड़ी जा रही है, और सबसे बड़ी बात पुलिस जो है मौके पर है, वो भी आधे से एक घंटे बाद, क्योंकि गवर्नर की ड्यूटी लगी, गवर्नर ड्यूटी में जाना है, तो ऐसी भी हमारी जानकारी है कि गवर्नर ड्यूटी में जाने वाली, तो मौके पर देखा जाए तो कार्रवाई एक तरह से ना के बराबर है। अब देखना ये होगा कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं। अंकुश जी, आपके अभयपुर के वार्ड में यहाँ पे देखा गया अतिक्रमण की विभाग की टीम आई थी, कार्रवाई हुई थी, उसको कह देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से काफी लोग आरोप लगा रहे थे कि कुछ दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई है। जी, कार्रवाई जब पिछली बार हुई थी तो उसमें दो दुकान से रह गई थी, वो काम ठीक था, लेकिन दोबारा फिर आज आए हैं तोड़ने के लिए, तो फिर एक दुकान और रहेगी पटाखे वाली, लेकिन वो जो इलीगल है वो तो इलीगल ही है, उसको तोड़ना चाहिए इनको। क्या वजह है उस दुकान को बार बार छोड़ा जा रहा है? अभी ऊपर प्रेशर है या जो भी है वो तो वही बताएंगे ना, ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर आप एक चीज़ को तोड़ देते हो और दूसरे को नहीं तोड़ते, मौके पर मौजूद है वो,
या तो उसके मालिक को बैठ के बात करें, जो भी सामने है। काफी लोगों गांव के लोगों ने काफी विरोध किया उस टाइम आपके सामने किया, लेकिन फिर भी लोग जो टीम है वो किसी ने कार्रवाई करते समय पीछे नहीं। तो अब ये एक टीम बताएगी ना कि किसका प्रेशर है, कौन किसको कैसे फोन करके क्या कर रहा है, ये तो विभाग की गलती है। इसमें तो विभाग को इसके बारे में काम करना चाहिए और उसको तोड़ना चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर है।